करंट गेन से रिलेटेड न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, करंट गेन या फॉरवर्ड करंट का फॉर्मूला होता है बीटा इक्वल टू आई सी करंट ऑफ कलेक्टर डिवाइड बाय करंट ऑफ बेस। इसको हम करके कहते हैं करंट गेन भी कहते हैं, फॉरवर्ड करंट भी कहते हैं, बीटा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल का एक सवाल है, कलेक्टर का करंट 10 मिली एम्पियर दिया है, बेस का 20 माइक्रो एम्पियर दिया है और पूछ रहे हैं फॉरवर्ड करंट कितना होगा। हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 0 0 मर जाएगा, ये माइनस 3 ऊपर जाएगी प्लस 3, 10 की पावर 3, 1000/2, ये कितना हो जाएगा 500। ऐसे एक और सवाल है, 83 मिली एम्पियर है एमीटर का, 82 मिली एम्पियर है ट्रैक्टर का, 83 में से 82 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 मिली एम्पियर इसका बेस का। यहाँ भी फॉरवर्ड करंट बीटा निकालना था, बीटा बराबर इसी के होता है इसके भाई करंट गेन डिवाइड बाय बेस करंट। तो करंट गेन कलेक्टर का जो करंट है कितना दिया था आपको 82 मिली एम्पियर और बेस का करंट कितना दिया है 1 मिली एम्पियर। फॉरवर्ड करंट या करंट गेन आपके पास आ जाएगा 82। तो इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल आते हैं कि इसमें भाई करंट गेन के फार्मूले हैं। और ये भी हो सकता है कि आई सी आई पी देकर के आपको आई ही निकालने को आ जाए, ठीक है। तकरीबन सारे ही टाइप के सवाल में आपके पास एवर में देख चुका हूँ। ये भी एक सवाल आएगा कि एमीटर का करंट 4.01 दिया था, कलेक्टर का 4 दिया था और क्या पूछा था करंट गेन। तो मेरे भाई पहले इसमें से 4.04 में से क्या माइनस कर दूंगा, 4 माइनस कर दूंगा तो आई पी की वैल्यू आ जाएगी। आई पी के लिए कितनी आ जाएगी 0.04। क्या करेंगे यार 4 को 0.04 से डिवाइड कर देंगे 100 आ जाएगा। तो बहुत न्यूमेरिकल आएंगे इसमें, नस के पेपर में भी, नम्स में भी, गुलाम साहब पर। थैंक यू।